जेल में रोहन और चिंकू नाम के कैदी के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और रिंकू चिंकू को एक जोरदार किक मार देता है, जिसके बाद चिंकू फर्श पर गिर जाता है और वो फिर नहीं उठता क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। डिटेक्टिव जे तुरंत वहां पहुंच जाता है और पूरा मामला देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि उसकी मौत उस किक की वजह से नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई है। चिंकू की मौत किक की वजह से नहीं हुई है बल्कि कुछ अलग ही कारण है इसकी मौत का। डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा, उसके होंठ हरे हो गए थे। डिटेक्टिव जे ने और ध्यान से देखा और उसके पास खाने की एक प्लेट भी पड़ी थी और उसके पास एक चूहा भी मरा पड़ा हुआ था। इससे डिटेक्टिव जे समझ गया कि उसकी मौत जहर से हुई है और वो जहर इस खाने में मिला हुआ था, जिसे खाकर चिंकू भी मर गया और ये चूहा भी। यहाँ जो खाना बनाता है और जो आदमी हर कैदी को खाना देता है, मुझे उनसे बात करनी होगी, तभी कुछ पता चलेगा। डिटेक्टिव जे ने कुक और उसकी मदद करने वाले आदमियों से एक एक करके पूछताछ की तो चिंकू नाम का आदमी कहता है, सर मैं तो सिर्फ खाना लाता हूँ, बनाता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता खाने में क्या मिला था सर, मैं बेकसूर हूँ। डिटेक्टिव जे ने मोहन से पूछा, मोहन वो कुक था जो सबके लिए खाना बनाता था, तो मोहन कहता है, सर मैं यहाँ सभी के लिए खाना बनाता हूँ, पर मैं कोई आज से काम थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे तो 10 साल हो गए हैं और भला मैं क्यों ऐसा करूँगा, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी थी चिंकू से, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है सर। डिटेक्टिव जे ने चंपक नाम के आदमी से पूछा तो वो कहता है, मैं तो सुबह से बगल वाले सेल में सफाई कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं एकदम बेकसूर हूँ। डिटेक्टिव जे पहले रसोई में जाता है जहाँ खाना बनता है, वो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करता है और उसके बाद वो वहाँ जाता है जहाँ खाना रखा जाता है, वहाँ वो भी अच्छे से देखता है और उसके बाद वो पास वाले सेल में जाता है और उस सेल को भी अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और बताइए। झूठ चंपक बोल रहा था। आपने उसकी बात ध्यान से सुनी हो तो उसने कहा था कि वो सुबह से पास वाले सेल की सफाई कर रहा था, तो फिर ये सेल इतना गंदा कैसे पड़ा था? अगर वो सुबह से सफाई कर रहा था तो सेल इतनी गंदी नहीं हो सकती, इसका मतलब चंपक झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जे ये बात समझ जाता है और उसे एक तमाचा मारता है और चंपक अब अपना गुनाह कबूल लेता है। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं उस समय सफाई नहीं कर रहा था बल्कि मैंने उस समय चिंकू के खाने में जहर मिला दिया था जिसे खाकर उसकी मौत हो गई। क्यों किया था तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? क्योंकि उसका और मेरा एक दिन झगड़ा हो गया था और हमारे बीच बहुत बहस हुई थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया, वो मेरा उस दिन से दुश्मन बन गया था सर। गलत किया तुमने और अब की इसकी सजा भी भुगतोगे। एक गांव में बबली चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही लालची थी और हमेशा कुछ ना कुछ मुफ्त में खाने को देखती थी। बबली बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो एक दिन ऐसे ही कुछ मुफ्त में खाने के लिए घूम रही थी, तभी उसे पीलू की कचौड़ी की दुकान दिखती है। पीलू कचौड़ियाँ बेच रही है। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी राजस्थान की फेमस कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, चटपटी कचौड़ी। पीलू की कचौड़ियों की आवाज सुनकर बबली के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इन कचौड़ियों की खुशबू से ही मुझे जोर से भूख लगने लगी है, ये जाती हूँ आज मैं। फिर वो पीलू के पास जाकर बोलती है, पीलू चिड़िया मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारी कचौड़ियाँ है लेकिन अगर मैं सब के सब कचौड़ियाँ खा लूँ तो मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी, अगर एक भी कचौड़ी बच गई तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। कैसी बात कर रही हो आप, इतनी सारी कचौड़ियों को पहलवान लोग भी नहीं खा सकते, ये ना मुमकिन है ही नहीं, आपसे 2 गुना दाम लूंगी अगर मैं जीत गई तो। फिर बबली एक एक करके कचौरियाँ खाते जा रही है। पीलू गर्मा गर्म कचौरियाँ तल रही थी और बबली उसकी पूरी कचौरियाँ खाती है। पीलू ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या,
आपने तो मेरे यहाँ की पूरी कचोरियाँ ही खत्म कर दिया। आप चिड़िया हो के हाथी? चलो पीलू, तुम वाकई बहुत स्वादिष्ट कचोरियाँ बनाती हो। मैं चली। पीलू अपना सिर खुजा रही थी। इधर बबली मन ही मन खुश हो रही थी कि आज का उसका मुफ्त का भोजन हो गया था। फिर पीलू अपने घर जाती है। उसकी माँ सुंदरी उसे कहती है, अरे ऐसे कैसे शर्त हार गई तू पीलू? कल उस चिड़िया को फिर से बुला, मैं देखती हूँ वो कैसे मुफ्त का खा कर जा सकती है। रहने दो माँ, एक दिन का घाटा अपन सह सकते हैं। कल भी अगर वो पूरी कचौड़ियाँ खा जाएगी तो हम तो लुट जाएंगे। नहीं नहीं, अब तो ये हमारी नाक का सवाल है। उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मेरी बेटी को शर्त में हराती है मुफ्त कोर कहे की। अब सुन मैं क्या कहती हूँ। फिर सुंदरी पीलू को अपना प्लान समझा देती है और उस रात पीलू अपनी माँ के प्लान पर काम करती है। फिर अगले दिन पीलू बबली से कहती है, बबली जी आज भी आप मुझसे शर्त लगाइएगा। क्या आज मैं आपको शर्त में हरा दूंगी? देखते हैं। तो बबली कहती है, तुम शर्त हारने के लिए तैयार हो जाओ पीलू चिड़िया। एक अब तो तुम पागल हो चुकी हो। फिर बबली पीलू की दुकान के पास जाती है और एक कचोरी को देख कर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कचोरी एक कार की जितनी बड़ी थी। तो बबली कहती है, अरे ये क्या है? चलो मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ कि बबली भी क्या चीज है। जोश जोश में बबली कचोरी में चोंच मारने लगती है, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी चोंच घायल हो जाता है और वो कचोरी को आधी भी नहीं खा पाती है। बबली हार मान जाती है। मुझे माफ कर दो पीलू, मैं मुफ्त खोरी में अंधी हो गई थी। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। इस तरह से पीलू की मेहनत और सुंदरी की समझदारी से बबली अपना सबक सीख गई। फिर पीलू एक कुल्हाड़ी से कचोरी के छोटे छोटे टुकड़े करके बेचने लगी। पीलू की दुकान जल्द ही बहुत फेमस हो गई और सुंदरी भी अब ईमानदारी से रहने लगी। कदमपुर देखने में बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में रिया और प्रिया नाम के सास बहू रहते थे। सास घर की कारोबार संभालती थी और बहू टीचर की काम करती थी। शुरू शुरू में सास बहू में बहुत अच्छी मेल जोल थी। जिस दिन से बहू ने काम करना शुरू कर दिया, तब दोनों के मन में थोड़ी सी दूरी पैदा हुई। एक दिन रिया बहुत हड़बड़ी से तैयार होते हुए, अरे टाइम कितना हो गया, अरे मैं लेट हो गई, अभी टिफिन भी तैयार नहीं हुआ, स्कूल की टाइम हो गई है ना, हर दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसे ही और चार दिन चलते रहे ना, नौकरी खोना तो गारंटी है। कहते बड़बड़ाती रहती है तो सास कहती है, अरे बहू क्या मेरे पास चार हाथ है? जब तुम रेडी हो जाओगी तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूं। थोड़ा समय तो लगेगा ना, इतने में तुम पहाड़ सर पे उठा के क्यों नाच रही हो? अरे ऐसी बातों को कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना करोगे बात आप, और एक घंटे में सारा काम निपटा के काम ही क्या बचता है, नींद करना ही ना। मगर मेरा ऐसा नहीं है ना, अब शुरू करूंगी तो स्कूल जाने के बाद सब बच्चों की चींची पी पी सुनते हुए मेरे सर फटा जा रहा तो भी उनको समझा के ही पाठ पढ़ाना पड़ता है। कहते बड़बड़ाते रहती है तो सास टिफिन ले आके उसके सामने रखती है। उसको खा के अपनी बॉक्स उठा के पूरी गुस्से में हड़बड़ी में रिया स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही बहू स्कूल के लिए निकल जाती है, प्रिया की दोस्त पंकजा घर में आती है। प्रिया प्रिया, क्या तुम्हारी बहू काम के लिए निकल गयी? ये क्या बात हुई प्रिया, सास के लिए थोड़ी भी कद्र नहीं है। सुबह तुम्हारे ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे ये बहू ये इतनी ही है, मेरी बहू भी ऐसी ही है, बातूनी बातूनी, मुंह खोलती है तो बस। कहते हुए पंकजा मीठी मीठी बातें करते हुए प्रिया को अपनी जाल में फंसा लेती है। उतना ही नहीं, प्रिया के घर में ही पेट भर नाश्ता करके घर के लिए जो चावल दाल चाहिए उसे भी ले जाती है। इस तरफ स्कूल में रिया अपनी दोस्त संध्या के पास लंच टाइम पे बात करते हुए संध्या पूछती है,
अरे रिया, सास ने क्या दिया है डिब्बे में? तुम्हारी सास बहुत हेल्प करती है ना कामों में। अरे ओ क्या मुझे हेल्प करेंगे, मैं मेहनत से काम करके जो सैलरी आती है उनके हाथों में रखती हूँ तो वह मेरे ऊपर ही बड़प्पन दिखाते हैं। देखेंगे देखेंगे, एक ना एक दिन इनका बड़प्पन भी देखूंगी। मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ। मेरी क्या सुनती हो, छोड़ो, सारे सास एक बराबर। हाँ हाँ पता है, चलो चलो क्लास के लिए टाइम हो गया। कहते हुए रिया और संध्या अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शाम को रिया अपने घर आती है। सास बहू अच्छे से ड्रेस करके फ्रेश अप होके टीवी के सामने बैठते हैं। अरे बहू, वो चैनल तो बदली करो, अच्छे सीरियल्स के टाइम पे न्यूज क्यों लगाई है? अरे आप क्या कुएं का मंडक ही बन के रहोगे? सोसाइटी के बारे में कुछ जानना नहीं है क्या? जब देखो सीरियल सीरियल, उसको देखते ही ना आप ऐसे बन गए हो। सास को बहू नहीं राज आती, बहू को सास नहीं राज आती। कहते हुए दोनों बात करते करते थक के खाना खा के सो जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में सोए हैं। उसी समय में एक महान चोर उनके घर में घुस जाता है। वह चोर घर भर पैसे के लिए ढूंढ रहा है। वह शब्द सुन के दोनों जाग जाते हैं। दोनों को घबराहट शुरू हो जाती है। दोनों भय से घबराए हुए एक कोने में आके बैठ जाते हैं। धीरे से रिया बोलती है, अरे सासू माँ, घर में चोर घुस आया है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिया, वो अकेला है, हम दो हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कहते हुए दोनों बड़ी सी पत्थर हाथ में लेके उसके ऊपर छलांग मार के उस पत्थर से उसके सर फोड़ देते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए डरते हुए चोर वहाँ से भाग जाता है। हाँ हाँ थैंक्स सासू माँ, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी स्थिति क्या होती? अरे हाँ बहू, मैं भी तो बूढ़ी हूँ, अगर मैं अकेली होती तो क्या करती? कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। आई एम सॉरी सासू माँ, इतने दिन आप बड़े होने का मान नहीं रखा मैंने, आज हम दोनों साथ में हैं, इसी वजह से वो भाग गया चोर। हाँ प्रिया, इतने दिन मैंने भी कहाँ समझा, आप तुम्हें तो मैं गैर ही मानती थी। सासू माँ, हम दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, आप घर संभालती है ना, इसीलिए मैं काम पे जा पाती हूँ। अरे बहू, तुम और मेरा बेटा काम कर रहे हो, इसीलिए कोई बाधा के बिना घर अच्छे से चल रहा है। हाँ सासू माँ, हम दोनों एक हैं।